तो आज हम जाने वाले हैं एक हॉरर जगह पे, और जहाँ पे हमारा सामना होता है हजारों भूतों से। और फिर क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह जिम कर रहा था भाई। आज संडे है इसलिए छुट्टी है, इसलिए यार लेट उठकर भी जिम कर रहा था। और यहाँ पर मैं जिम कर रहा था और जिम मेरे घर पर ही है, इसलिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी यार मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है कि हमारे शहर में एक हॉन्टेड जगह है, तो वहाँ पर घूमने चले गया। तो यार संडे था इसलिए मैं सोच रहा हूँ बोर होंगे, तो मैं उससे कह देता हूँ भाई कुछ नहीं चले जाएंगे। तो उसने बोला कि शाम को चलते हैं, तो यार रात को जाएंगे ताकि हॉन्टेड हाउस का मज़ा उठा सके। यार वो हॉरर जगह कहाँ पे होगी यार, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरा दोस्त बोल रहा था। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले यार नीचे जाके कपड़े वपड़े लेके आके नहा के तैयार हो जाते हैं और फिर हम चलेंगे अपने उस वाली हॉरर जगह पे। तो भी यार हम अलमारी से कपड़े लेके चलते हैं सीधे नहाने और फिर चलेंगे अपने दोस्त के घर। तो यहाँ से मैंने कपड़े ले लिए और मैं नहा धो के तैयार भी हो चुका हूँ। और अभी यार 9:30 बज चुके हैं और यहाँ से थोड़े भाई पैसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने भाई ज़्यादा नहीं अपने 20,000 रुपये ले लिए। इनको लेके जाएंगे हम घूमने, यार वहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर चाय नाश्ता भी कर देते हैं, पर मम्मी बोलेगी यार चाय नाश्ता भी करके नहीं गया। तो मैंने चाय नाश्ता कर दिया। यार कौन सी कार लेके जाए, अपनी थार लेके जाए, डिफेंडर तो यार अपने थार ही लेकर जाते हैं क्योंकि थार में मज़ा आएगा, अपने दाणी साणी मारेंगे यार, बहुत मज़ा कुछ आने वाला है। तो जल्दी से थार लेके चलते हैं अपने दोस्त के घर और फिर हम अपने, यार मेरे पास न्यू घर बन रहा है कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो वहाँ पे जाके अपने घर को देख के आएंगे कितना बना है और फिर हम चलेंगे अपने हॉरर जगह पे। तो अभी यार 10 बज चुके हैं फाइनली और मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। दोस्त का घर ज़्यादा दूर नहीं है और थोड़ा ही दूर है, इसलिए यहाँ से मैं फाइनली थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आप सामने देख सकते हो यहाँ से जो मोड़ आ रहा है उसी मोड़ में अपना दोस्त का घर है और मेरे दोस्त का नाम है भाई चिंटू। तो जल्दी से ये आ चुका हूँ अपने दोस्त के घर। और भाई ये ज़्यादा अमीर नहीं इसके घर पे, इसलिए कारवार नहीं है यार। तो जल्दी से जाते हैं इसके घर पे और इसको बुला के लाते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी हॉरर जगह पे। तो यार ओ चिंटू कहाँ गया रे, तू तो दिख ही नहीं रहा है। तभी यार चिंटू की आवाज़ आती है कि वो अभी नहा रहा है, जल्दी नहा के बाहर आ जाएगा, तू गाड़ी में बैठता है यहाँ। और फाइनली गई थोड़ी देर बाद चिंटू आ जाता है। तो हे चिंटू कैसा है तू, तो और फिर मैं और चिंटू बैठ जाते हैं कार में और अब चलेंगे अपने कंस्ट्रक्शन एरिया के पास में। वहाँ पे अपना हाउस कितना बना है देख के फिर जाएंगे अपने हॉरर वाली जगह पे यानी प्लेस पे घूमने के लिए। यार बहुत मज़ा आने वाला है शाम को, यार रात हम वही जू जाएंगे और फिर वापस आएंगे अपने घर कल सुबह। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन एरिया भी दूर नहीं है जहाँ पर अपना घर का काम चल रहा है, तो चलिए वहाँ चलते हैं जल्दी से। और अपने घर पे कितना काम हो चुका है यार बनने वाला वो। और तभी यार एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और भाई कार का एक जो अपने क्या बोलते हैं पलड़ वलड़ जो भी बोलते हैं वो टूट चुका है और एक भाग पूरा डैमेज हो चुका है यार, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा और फिर हम चलेंगे। यार बिना ठीक करवाए नहीं जा सकते वरना तो फिर पापा शाम को बहुत डांटने वाले। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। तो चिंटू तो बहुत घबरा गया है कि वो कार से भी नहीं उतर रहा है और बोल रहा है भाई तू देख के आ जा। और मैं यहाँ पे तो जो आप ये सामने देख रहे हो यही पर अपना न्यू घर बनने वाला है। और भाई ये जो पूरा आप देख रहे हो ये सारी ज़मीन हमारी है यानी ये पूरा एरिया हमारा है और यहीं पर अपना घर वर बनने वाला है। और जो सामने आप देख रहे हो वहाँ पर अपने 2 घर बनने वाले हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये भाई अपना काम, आज तो छुट्टी पे है पता नहीं क्यों, लेकिन अब चलते हैं अपनी कार को ठीक करवाने और फिर हम चलेंगे अपने हॉरर वाली जगह पे। यार जल्दी से ठीक करवा देंगे यार, पैसे सुबह लेके आए इसलिए अच्छा हो गया, इसको जल्दी से करवा देते हैं ठीक और फिर हम चलेंगे अपने हॉरर वाली जगह पे। तो जल्दी से चलते हैं उस। और फाइनली हम आ चुके हैं और अभी बजे हैं 2:00 और फिर हम चलेंगे शाम को हॉरर वाली जगह पे। तो ये रहा अपना मैकेनिक शॉप, तो यहाँ से जल्दी से कार ठीक करवा देते हैं। तो यहाँ से मैं अंदर जाके बात करके आता हूँ और मैंने यार उनसे बात कर दी और वो बोल रहे हैं कि शाम तक या कल सुबह तक आपकी कार ठीक हो जाएगी।
तो तब उसको लेके जाना। अभी के लिए उसने अपने ये वाली स्कॉर्पियो कार हमें दी है ताकि हम अपने हॉरर जगह पे घूम के आ सके, और कल सुबह इस गाड़ी को दे के हम अपनी थार रॉक पे चले जाएंगे अपने घर। और यहाँ से रास्ता जाता है अपने, और मैं बता दूँ कि जो अपना हॉरर पैलेस है मेरे दोस्त ने बता दिया है वो हमें देखने को मिलने वाला है अपने शहर का जो जंगल है उस जंगल में। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। तो यार जंगल ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही दूर है, इसलिए जल्दी से वहाँ चलते हैं और फिर हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे यानी हॉरर पैलेस। और अभी बजे हैं सुबह शाम के 5 बज चुके हैं और शाम भी होने वाली है और जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा। और फाइनली हम थोड़ी देर के बाद अपने जो जंगल है उसके पास एक ट्रेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसको पार कर चुके हैं और फाइनली हम वहाँ आ चुके हैं अपने जंगल की तरफ। और जंगल के बाहर ये गेट टाइप कुछ बड़ा सा लगा हुआ है। और भाई शाम तो हो चुकी है और हम जंगल के अंदर आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे अपने उस वाले हॉरर पैलेस पर। तो यहाँ से यार फाइनली हम आ चुके हैं उस हॉरर वाले जगह पर और अभी बजे हैं रात के 11 बज चुके हैं भाई। और मैंने यहाँ से गन भी निकाल दी यार, कोई भूत वूत आ जाए। और मेरा दोस्त यार नहीं आया, उसको बहुत डर लग रहा है यार, यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली आवाज़ें आ रही है तो इन्हें आप सुन सकते ही होंगे, तो सुनिए भाई। तो यार इस तरह की हॉरर आवाज़ आ रही है और ये यहाँ पर आपको बहुत सारी कब्र भी देखने को मिल जाती है यार, बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे सामने भाई आपको ये हॉरर घर भी देखने को मिल जाता है इस हॉरर वाले प्लेस पर। और भाई ये कितना खतरनाक है, मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन यार यहाँ तक आए तो पूरा घूम के ही जाएंगे, इस जगह को देख के जाने वाले। तो यहाँ पर आपको यार कब्र भी बहुत सारी देखने को मिल जाती है और फादे के मुताबिक यहाँ पर आपको भूत भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इस घर के अंदर जाते हैं। और फिर क्या भाई, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर खतरनाक वाली आवाज़ें आने लगी जिससे मैं डर गया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा हमारे साथ वो देखने के लिए।